कुंभ राशि, दुश्मनों के मुंह से लार टपकेगा आपकी कामयाबी को देखकर। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग सा और सबसे अलग होने वाला है। दोस्तों 11 और 12 अक्टूबर ये दो दिन आपके जीवन में किस तरह से रहेंगे, आपकी जो कि सफलता को देखकर आपके दुश्मनों के मुंह से लार किस तरह से टपकेगा, विस्तार से आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी, जिससे आप आने वाले दिनों के बारे में जो कि पहले से अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सएप मैसेज करें, हमारी तरफ से रिप्लाई छट से मिल जाएगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, आज उन्हें इस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना बन रही है। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाइयां होगी, लेकिन आसपास के लोगों से झगड़ा ना करें, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खुश मिजाज रखेगा। व्यवसाय में नए विचारों का स्वागत खुले दिमाग और तेजी के साथ करें, ऐसा करना आपके पक्ष में रहेगा। आपको उन्हें अपनी मेहनत से हकीकत में बदलने की जरूरत है, जो व्यवसाय में बने रहने का मूल मंत्र है। काम में दिलचस्पी बनाए रखने के लिए खुद को शांत रखेगा। छात्र छात्राओं को अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। दोस्तों जो भी काम है आज का काम आज के दिन ही पूरा करेगा, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को पूरा कर ले, ऐसा करना आपके लिए हितकारी है। आपका जीवन साथी ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। दोस्तों घर पर लड़ाई झगड़े से दूर रहे तो ही अच्छा रहेगा, आपके घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा तो घर की शांति भंग हो सकती है। दोस्तों सबको सम्मान दें ताकि बदले में आपको भी सम्मान मिले। अगर आपकी कार्यालय की समस्याएं घर लाने की आदत है तो घर वालों की खुशी के लिए अपनी ये आदत को जरूर बदलिए, वरना जो भी प्रॉब्लम है कार्यालय से जुड़कर उनका अगर गुस्सा आप घर पर निकालेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। अगर घर वाले खुश रहेंगे तो ही आपका जीवन संतुष्टि से रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। दोस्तों दुष्टजन आपको हानि पहुंचा सकते हैं, उलझे हुए काम सुलझाने के लिए स्थितियां आपके फेवर में हो सकती हैं। विचार में स्थिरता ही आपको नई दिशा देगी। जिस लक्ष्य की प्राप्ति का आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे उसका मार्ग आपको नजर आएगा, लेकिन मार्ग नजर आने पर आपको उसके तहत कार्य भी करना होगा, स्ट्रांग प्लानिंग करनी होगी और अपने जीवन में हर कदम आगे बढ़ते रहना होगा। उस मार्ग को बिल्कुल भी ना छोड़े, लक्ष्य बहुत ही जल्द आपको प्राप्त होगा। आपके सोचने के तरीके में बदलाव हो सकता है। घर परिवार में हंसी खुशी का वातावरण रहेगा। दीर्घावधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। क्रोध और वाणी पर संयम बरतेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी कामयाबी को देखकर दुश्मनों के मुंह से लार टपकेगा, ऐसा हमने क्यों कहा विस्तार से जानेंगे। दोस्तों 11 और 12 अक्टूबर इन दो दिनों में आपकी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं या फिर आप अपने जीवन में एक सफल इंसान सफल व्यक्ति बन सकते हैं, जिससे कि आपके दुश्मन आपको देखकर जल सकते हैं। दोस्तों आपकी कामयाबी एक अलग ही है, आपकी कामयाबी को देखकर दुश्मनों के मुंह से लार टपकने वाला है। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, अगर दुश्मन आपको कोई घात पहुंचाने की कोशिश भी करे तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन पूरा काम छोड़कर सिर्फ उसी पर ध्यान देना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर वह आपको घात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उससे आपको लड़ना भी होगा। अगर ऐसे ही बैठेंगे तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम परेशानी हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में।
दोस्तों समय आपकी वित्तीय योजनाओं को सही करने के लिए आदर्श है। इन दिनों किए जाने वाले सही निर्णय आपको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन बिना सोचे समझे किए जाने वाले वित्तीय निर्णय आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आपके पद व व्यावसायिकता के कारण आपके सहकर्मी आपसे दबे हुए रहेंगे, लेकिन आपको अपना प्रभाव जमाते हुए सावधान रहना होगा। अपने प्रभाव का दुरुपयोग करने पर आप भविष्य में भी वित्तीय दुष्प्रभावों से घिरे रह सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने व्यावसायिक सहकर्मियों के साथ बेकार की बहस में ना पड़े। अगर ऐसा करेंगे तो आगे जाकर आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है, यह बहस लड़ाई में भी बदल सकती है। तो ऐसे में आपको शांत रहना होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम परेशानियां भी आ रही हैं तो उसको शांति से बैठकर सुलझाना होगा। आप शांति से आगे बढ़े, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई आपका गलत फायदा ना उठाए। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी बहस के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आपको लड़ाई को परिपक्वता व धैर्य से सुलझाना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। लंबे समय से चली आ रही दोस्ती प्यार में बदल सकती है। यह आपकी आत्मा व कल्पना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपको अपने प्यार की देखभाल करनी होगी। जहां तक हो सके मतभेदों को ना होने दें और उनका निपटारा बातचीत से करें। दोस्तों आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों आप एलर्जी से परेशान रहेंगे। नाक के रुकने और आंखों से पानी निकलने जैसी एलर्जी आपको दुविधा में डाल सकती है। आप लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें और इसका जल्द से जल्द इलाज जरूर कराएं। ध्यान रहे कि यह बीमारी आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए जल्द इलाज करें। और स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो ही आप अपना कार्य जो कि समय पर पूरा कर पाएंगे और अपने कार्य में अपना 100% दे देंगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य आपका मजबूत नहीं रहेगा, तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा और उस काम में आप अच्छा क्वालिटी भी नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। और इसमें आप जिम जा सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, फ्रेश खाना खा सकते हैं। कहीं पर भी बाहर का खाना जो रास्ते के साइड में बनते हैं, जो तली भुली चीज़ें होते हैं, उनको बिल्कुल भी खाना वो बिल्कुल भी मत खाएगा, उससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करेगा। दोस्तों आप चाहे तो ट्रेनिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सअप मैसेज करें, हमारी तरफ से रिप्लाई छट से मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।